भारत को आजाद हुए 75 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक देश में दलित, कमजोर और गरीबों का उत्पीड़न खत्म नहीं हुआ है। दलित उत्पीड़न का ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सामने आया है। यहां ग्राम प्रधान के पति और उसके रिश्तेदार ने एक दलित युवक के साथ अमानवीय व्यवहार किया। इन दोनों ने मिलकर दलित युवक की जूतों से पिटाई की और उसके गले में पट्टा बांधकर पूरे गांव में घुमाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज तक के संदीप सैनी से मिली जानकारी के मुताबिक घटना मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाना क्षेत्र के बिहारगढ़ गांव की है। यहां जबर सिंह नाम के एक दलित युवक ने नशे की हालत में ग्राम प्रधान के पति के फूफा को कुछ अपशब्द कह दिए। इस बात से प्रधान का पति संजय और उसके फूफा ओम प्रकाश ने जबर सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी। संजय ने कपड़े से एक पट्टा बनाया और युवक के गले में बांधकर उसे गांव में घुमाया। वहीं ओम प्रकाश ने युवक की जूतों से पिटाई की। दोनों ने पीड़ित को खूब गालियां भी दी। जब पीड़ित के परिवार को इस बात का पता चला तो वे बीच बचाव करने के लिए आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित युवक की भतीजी ने उसे बचाने की कोशिश की तो प्रधान ने उसके साथ भी मारपीट की। पीड़ित की भतीजी ने आज तक को बताया, मेरे चाचा के साथ झगड़ा हो रहा था। पहले तो उन्होंने दुकान के सामने उनकी पिटाई की, फिर उन्हें खींचकर अपने घर ले गए। वो लोग ये कह रहे थे कि इसे चाकू से मारेंगे। जब मैं छुड़ाने गई तो मुझे भी मारा। पुलिस ने जबर सिंह के साथ मारपीट करने वाले संजय और ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना पर मुजफ्फरनगर के SSP अभिषेक यादव ने कहा, जनपद मुजफ्फरनगर में आज एक वीडियो वायरल हुआ है थाना भोपा क्षेत्र के अंतर्गत, जिसके अंदर एक युवक की दो लोगों के द्वारा मारपिटाई करी जा रही है। इसमें अवगत कराना है कि दोनों ही लोगों को, जिसमें से एक उसी गांव के प्रधान का पति है और उसके साथ एक व्यक्ति और है, दोनों ही गांव बिहारगढ़ थाना भोपा क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों को घटना के तत्काल बाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इस प्रकार की घटना ना हो इसके लिए पुलिस अन्य कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही SSP ने यह भी कहा कि पुलिस ये भी कोशिश करेगी कि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो। यह खबर आपके लिए लिखी है आयुष ने, मैं हूं हिमांशु और कैमरे के पीछे हैं विजय। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।